बड़े केस की तहकीकात में बड़ी गिरफ्तारी। आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ साफ पानी कंपनीज केस में पेश हुए, आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिए गए। नैब हुकाम ने जिस्मानी रिमांड के लिए आज शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मुमकिन एहतजाज के बायस वज़ीर आला पंजाब का खसूसी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस डिविजनल कमिश्नर्स को अहकामात जारी कर दिए। महकमा दाखिला की जानिब से जारी हिदायत नामे की कॉपी चीफ सेक्रेटरी पंजाब दीगर महकमों को इरसाल कर दी गई। शहबाज शरीफ की आज एहतसाब अदालत में पेशी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। एहतसाब अदालत के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तायुनात। एहतसाब अदालत के दाखिली और खारजी रास्तों पर रुकावटें लगा दी गईं, रास्ते सील। शहबाज शरीफ पर क्या इल्जामात, क्यों गिरफ्तार हुए? नैब हुकाम ने गिरफ्तारी की वजूहात जारी कर दी। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद के साथ मिलकर लतीफ एंड सन्स का ठेका मंसूब किया। बिस्मिल्लाह कंपनी को नवाजने के लिए आशियाना मनसूबे का ठेका दिया गया। 2000 कनाल से जायद अराजी का फायदा ठेकेदार को पहुँचाया गया। शहबाज शरीफ के इकदाम से कौमी खजाने को नुकसान हुआ। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द अमल, कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि मुजाहिका खेज भी है। आलमी इदारों ने खादमे आला की खिदमात का एतराफ किया। पीटीआई हुकूमत इस बदतरीन इंतकाम की जिम्मेदार है। करप्शन फ्री पाकिस्तान का आज़म किया है। हर लुटेरे की बारी आएगी, सबको कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। शोर करने का फायदा नहीं, अभी तो सिर्फ एक कहानी सामने आई है। हर मंसूबा करप्शन में डूबा हुआ है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। नैब के साथ गठजोड़ करके गिरफ्तारियों का शौक पूरा कर लें। हवा में मुअल्लक लूली लंगड़ी हुकूमत इलेक्शन से खौफ ज़दा है। दिलों में छुपा हुआ बोझ बेनकाब हो रहा है। गिरफ्तारियों से धांधली ज़दा हुकूमत नहीं छुप सकती। बाबर आवान, जुल्फी बुखारी और अलीम खान को कोई नहीं पूछता। ये खेल तमाशा नहीं चलेगा, हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हजम नहीं होने देंगे। आशियाना स्कैंडल फवाद हसन फवाद ने सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया। मियां साहब आपने जो कहा मैं वही करता रहा। फवाद हसन फवाद का शहबाज शरीफ से मुकालमा, तमाम इजलास शहबाज शरीफ की जेर सदारत होते थे, अहकामात भी शहबाज शरीफ ही जारी करते थे। फवाद हसन फवाद ने तहरीरी बयान भी लिख दिया नैब जराए। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कारकुन बरहम, नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज। ठौकर न्याज बेग रोड को ब्लॉक कर दिया। भाटी चौक में मतवाले सड़कों पर आ गए, टायर जलाकर शदीद एहतजाज, नारेबाजी। मॉडल टाउन में लीगी कारकुनान का मुजाहरा, शाहदरा में भी मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का मुजाहरा। आशियाना हाउसिंग स्कीम के नाम पर गरीब लोगों से फ्रॉड किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सबूत है, मुल्क में कानून का बोल बाला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आवाम को खुशखबरियां मिलने का मौसम शुरू हो गया। साबिक हुकूमत के दीगर करप्ट अनासिर भी जल्द जेल में होंगे। फियाजुल हसन चौहान, पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासत की तबाही और मुल्क के लिए बदकिस्मती है। राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दिया। परवेज मलिक बोले मुहिब वतन सियासतदान की गिरफ्तारी लम्हा फिक्रिया है। उज़्मा बुखारी कहती हैं खादिम आला की गिरफ्तारी 25 जुलाई के स्क्रिप्ट का हिस्सा है।
पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस मुलजिम अमार गुलजार एहतसाब अदालत में पेश। मुलजिम ने 5,000 से जायद फाइलें फरोख्त की। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने मुलजिम का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 15 अक्टूबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। बोगस कागजात, नाकिस काम, मुआहिदों की अदम तकमील। पंजाब की 55 कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी गईं। तालीम, सेहत, पुलिस, रोड, पानी और दीगर मंसूबों पर काम करने वाली कंपनियां भी शामिल। ब्लैकलिस्ट कंपनियों में एमएस लिंकर्स अशिया जबकि एमएस गुल इंटरप्राइजेज भी शामिल। अकबरी गेट के इलाके में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक नदीम और दीगर मुलजमान ने अंधाधुन फायरिंग करके 35 साल इमरान को कत्ल किया। मकतूल इमरान का अपने रिश्तेदारों से जायदाद का तनाजा था। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। करोल घाटी में 18 करोड़ रुपए मालियत की 43 एकड़ अराजी बागुजार। सरकारी अराजी पर आलू, मकई और दीगर फसलें काश्त की गई थी। मजाहमत करने पर 2 अफराद जेरे हिरासत। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अलामा इकबाल रोड, गड़ी शाहू बाजार, धर्मपुरा, दारोगावाला में मुतअद्दद तजावजात। मिसमार, पखाड़े, शेड, साइन बोर्ड को गिराने का अमल जारी। दारोगावाला में ऑपरेशन के दौरान बिजली की तारें टूट गईं। ट्रांसफार्मर फटने से जोरदार धमाका, अमला बाल बाल बचा। वजीर आला का तजावजात के खिलाफ मुहिम में गरीब और आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस। रेहड़ी बान और मेहनत कशों को तंग ना किया जाए, वजीर आला की हिदायत। हेलमेट और बैक मिरर ना लगाने वाले पुलिस अहलकारों और वार्डन्स के चालान और महकमाना कार्रवाई का हुक्म। कानून शिकनी करने वाले चंद पुलिस अहलकारों को घर भिजवा कर दूसरों के लिए मिसाल बनाएं। कानून पर अमल दरामद से सर पर चोट लगने की शरह में 50% कमी आई। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनने पर पाबंदी का जल्द हुक्म देंगे अदालत। आटे और दालों के बाद चिकन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। दुकानों पर ब्रायलर गोश्त 191 रुपए फी किलो हो गया। चिकन की कीमत डबल सेंचुरी से ऊपर जाने का इम्कान। गवर्नर पंजाब की जेर सदारत इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर का इजलास। चौधरी सरवर कहते हैं मामलात के हल के लिए जामियात को इख्तियारात दिए जाएंगे। पीसीबी इंटर स्कूल विमेन इंडोर क्रिकेट टूर्नामेंट। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरकी की टीम ने मैदान मार लिया। लाहौर ग्रामर स्कूल की टीम 67 रन पर हिम्मत हार गई। डोप टेस्ट कवानीन की खिलाफ वर्जी। क्रिकेटर अहमद शहजाद को सजा सुना दी गई। डोप टेस्ट मुस्बत आने पर अहमद शहजाद पर 4 माह की पाबंदी आयद। अहमद शहजाद को कुछ अर्सा कबल क्रिकेट खेलने से रोक दिया गया था। और मारूफ भारतीय सहाफी कुलदीप नायर की आखिरी रसूमात बाकिया दरियाए रावी में बहा दी गईं। कुलदीप नायर की पोती मंदरा नायर और एतजाज अहसन समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत।